हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टीटी प्लेइंग 11 में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ टाइगर्स वर्सेस ओकलैंड एथलेटिक्स बेसबॉल मैच के बारे में, जो मेजर लीग बेसबॉल होने वाला है। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि आपको अपनी टीम के लिए किस प्लेयर को पिक करना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है। साथ हम बात करेंगे ड्रीम टीम के बारे में। और दोस्तों, जो फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आपको ग्रैंड लीग्स की टीम मिलने वाली है। तो टीम्स के बारे में आप टेंशन मत लीजिएगा, तो हम इसको ओपन करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इस टीम ने कितने मैच खेले हैं, कितने मैच हारे हैं। तो सबसे पहले बात करूँगा DET यानी कि डिट्रॉयट टाइगर्स के बारे में। तो दोस्तों, टाइगर्स ने 134 मैच प्ले किए हैं, जहां पर 63 में और 71 में लॉस का सामना किया है। तो पता चल रहा है कि ठीक ठाक ही टीम है, ज़्यादा अच्छी खासी तो नहीं कह सकता, लेकिन ठीक ठाक ही टीम है दोस्तों। और वही मैं वही बात करूँ OA यानी कि ओकलैंड एथलेटिक्स के बारे में। तो ओकलैंड एथलेटिक्स ने भी 134 मैच प्ले किए हैं, जहाँ पर 72 में विन और 62 में लॉस का सामना किया है। तो पता चल रहा है कि जो ओकलैंड एथलेटिक्स है, वो ज़्यादा अच्छी खासी टीम है DET से। लेकिन दोस्तों, मैंने ज़्यादा प्लेयर इसलिए उठा लिए हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि ओकलैंड एथलेटिक्स ज़्यादा अच्छी खासी टीम है, और ये पता भी चल रहा है कि वो ज़्यादा ही अच्छी खासी टीम है। इसलिए मैंने यहाँ पर 4 और 5 का ऑप्शन बनाकर रखा है, जो मैं इश्यूड में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो टीम के बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ड्रीम टीम दूँ उससे पहले प्लीज शेयर को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिव मिलता है, और उसी से मोटिवेट होकर मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो और अच्छी टीम प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम पर। तो हम इसको ओपन करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको मैं टीम में किस फील्डर, किस इनफील्डर, किस पिचर, किस कैचर, इन सभी के बारे में मैं इसी वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। तो वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ऑफील्डर के बारे में। तो दोस्तों, ग्रोसमैन का परफॉर्मेंस पिछले मैच में थोड़ा डाउन जरूर था दोस्तों, लेकिन हम छोड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है और काफ़ी अच्छा खासा भी प्लेयर है। पिछले मैच में आपको बताया अच्छा खासा परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं था, उससे पिछले मैच ठीक ठाक ही था, उससे पिछले मैच बिल्कुल अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं था। लेकिन इसके पीछे इनका परफॉर्मेंस इतना खतरनाक है जिनके बारे में कुछ बता भी नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी टीम में एज अपने लेके चल सकते हैं। दोस्तों, खाना के बारे में बात करूँ तो इस मैच में दोस्तों मैंने अपनी टीम में कैप्टन लेके चलने वाला हूँ, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस वो काफ़ी अच्छा खासा लगातार मैचों से, जहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 देखिए 5 मैचों से काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, 6, 7, 8, 9 और 10 ऊपर एक और भी है। तो 10 मैचों से उनका परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा खासा होता आ रहा है, तो मैं चाहूँगा मैं इन्हें कैप्टन बनाऊँ। बाकी दोस्तों, स्टैट के ऊपर होता है, मैं स्टैट निकालता हूँ और स्टैट के आधार पर ही आपको फाइनल टीम प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम पर। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, बादों के बारे में बात करूँ तो बादों का परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही था दोस्तों, काफ़ी बड़ा तो नहीं था, लेकिन 6 पॉइंट ठीक ठाक ही पॉइंट्स है। उसके पीछे इनको ज़्यादा प्ले का मौका दिया गया है और उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही रहता है। और मेरा मानना है कि आज के मैच में उनको प्ले का मौका दिया जाएगा तो DET यानी कि ड्रीम टीम आपको देखने को मिल सकते हैं। हिल के बारे में बात करूँ तो हिल का परफॉर्मेंस दोनों मैच काफ़ी अच्छा खासा होता रहा है और आज भी इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा रहता है। तो अपनी टीम में हम इनको कन्फर्म लेकर चलने वाले हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है जो उनका सिलेक्टेड परसेंटेज होगा वो आपको 40% के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो बिना किसी टेंशन के आप अपनी टीम में इनको लेकर चल सकते हैं। दोस्तों, इनफील्डर के सेक्शन की बारे बात करूँ, ओल्सन का परफॉर्मेंस दोस्तों पिछले मैच में काफ़ी डाउन था, काफ़ी डाउन, केवल 4 पॉइंट, काफ़ी डाउन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्लेयर काफ़ी अच्छा खासा है, मैट ओल्सन काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है। पिछले इनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो दोस्तों आप सोचेंगे कि डाउन परफॉर्मेंस कैसे हो सकता है। एक बार देखिए, लगभग मैचों में ड्रीम टीम में रह रहे हैं, इसीलिए मैं इन्हें अपनी टीम में वो कैप्टन लेके चलने वाला हूँ। बाकी दुनिया होगी तो दोस्तों आपके अदर प्लेयर होंगे, वो आप इनको कैप्टन देख लीजिए, कैप्टन सुनेंगे इनको। और मेरा मानना है कि आप इन्हें वो कैप्टन लेके चल सकते हैं, या फिर बिल्कुल भी मत बनाइएगा, क्योंकि मेरा मानना है जो इन्हें कैप्टन बनाएगा वो पॉइंट देखकर बनाएगा, उनका स्टैट नहीं निकालेगा, वो तुक्के से दोस्तों इन पॉइंटों को देख लेकर कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने वाला है। और जो कैप्टन सी होगा वो आपको 30% प्लस देखने को मिल जाएगा, या आपको लास्ट में भी दिखा भी दूंगा। दोस्तों कैंप के बारे में बात करूँ तो कैंप भी दोस्तों आपके लिए ठीक ठाक प्लेयर है, जिनका मैच में पिछला मैच में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस था, लेकिन उससे पिछले मैच उनका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन जरूर आया दोस्तों, आप चेकआउट कर सकते हैं। ज़्यादा मैचों में अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, लेकिन 3 से 4 मैचों में एक मैच में काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर देते हैं। तो इसीलिए एज अपनी टीम में बिना किसी प्रॉब्लम के हमें लेके चल सकते हैं। दोस्तों, हरिशन के बारे में बात करूँ तो हरिशन का परफॉर्मेंस इसलिए मैच काफ़ी अच्छा खासा था। पिछले मैच में जो इनका पिछला ओकलैंड एथलेटिक्स का पिछला मैच हुआ था, मुझे लग नहीं था कि ये भी ड्रीम टीम में रह सकते हैं, मुझे लग था कि 4 ही पॉइंट कवर करेंगे, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा खासे पॉइंट कवर किए और ड्रीम टीम में भी रह रहे हैं। दोस्तों, पिचर सेक्शन के बारे में बात करूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि देखिए पिचर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, कितनी ज़्यादा चॉइस है मेरे पास पिचर के लिए, मेरे सबसे 50 के आसपास आराम से है, 50 से ज़्यादा ही कुछ। तो दोस्तों, मुझे इसके एक पिचर ही उठाना है, और आप वीडियो के लास्ट में बोलते हो कि तो आपकी टीम के 2 प्लेयर तो प्ले ही नहीं कर रहे होते हैं, तो ये बात आप कुछ सोच के देखिएगा। तो मुझे प्लेयर ही एक उठाना होता है तो मैं किसको उठाऊं? माइज को दोस्तों मैंने इसे उठाया कि पिछले मैच में 11 पॉइंट थे, काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस था इनका, और 11 पॉइंट किसी बेसबॉल मैच के अंदर काफ़ी अच्छे खासे माने जाते हैं। दोस्तों, मैं तो मानता हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता है। दोस्तों, अब बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी टीम लेके चल सकते हैं।
कैचर किया था, तो मैंने गोम्स को ट्राई किया है, उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा था। उससे पिछले मैच प्ले का मौका नहीं दिया गया, उससे पिछले मैच में काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस था। तो आप चाहें अगर घर में बस इन्वेस्ट करें तो बिना किसी प्रॉब्लम के वॉइस कैप्टन लेके चल सकते हैं, क्योंकि उनका वॉइस कैप्टन का रेट होगा वो काफ़ी कम आपको देखने को मिलने वाला है अगर प्ले का मौका दिया जाएगा तो। टीम का प्रयोग करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि मैंने उस टीम में 4 आउटफील्डर और 3 फील्डर उठाए हैं। दोस्तों कैप्टन चॉइस मैं काना को रखना चाहता हूँ। दोस्तों ग्रॉसमैन भी ठीक ठाक चॉइस है, ओल्सन भी ठीक ठाक चॉइस है, लेकिन ओल्सन का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन चल रहा है पिछले दोनों मैचों से, और मेरा मानना है कि आज में इनका परफॉर्मेंस एवरेज रहने वाला है, लेकिन काना का भी काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस रह सकता है। बाकी स्टैट के ऊपर होता है, मैं स्टैट निकालूंगा और स्टैट के आधार पर आपको फाइनल टीम प्रोडक्ट करूँगा टेलीग्राम पर, तो हम इसको सेव करते हैं। तो दोस्तों मेरी मेहनत की लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनल टीम टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।